भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा जैसलमेर जिला अध्यक्ष खीमाराम सुथार नाचना व नोक जाते समय शनिवार को कुछ देर बाप में भाजपा युवा नेता हिंगलाज मोटर्स के मालिक महेंद्र खत्री के आवास पर रुके। भाजपा ओबीसी मोर्चा बाप द्वारा उनका साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस दौरान सुथार ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को कहा कि हमारा लक्ष्य सुदृढ़ भारत, सक्षम भारत है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को कहां तक पहुंचाया यह पूरा विश्व जानता है। राजस्थान का युवा अब कांग्रेस को जड़ मूल से उखाड़ने के मूड में है। आगामी चुनाव में राजस्थान में भाजपा युवाओं के दम पर सत्ता में प्रचंड बहुमत से आएगी। संगठन के निर्देश से गांव-गांव में मोदी व केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करें। इस मौके पर भारतीय जनता मजदूर ट्रस्ट यूनियन जिला अध्यक्ष मदन लाल सुथार, ओम राठी, एडवोकेट मदन शर्मा, विजय तंवर, विजय कुमावत, सीताराम कुमावत, रवि पालीवाल, मोती पालीवाल, वार्ड पंच सुरेश मुंधा, मदन सुथार, अखिलराज खत्री, सुरेश खत्री आदि उपस्थित थे। करीब एक पखवाड़े पहले सीनियर स्कूल के पास जलदाय विभाग ने डोलियों के बास में पानी की समस्या समाधान के लिए कई जगह गड्ढे खोदे, लेकिन वे ठीक से नहीं वापस भरे गए। सड़क किनारे एक गहरा गड्ढा आज भी खुला ही पड़ा है, जो अब बरसात के बाद आफत बन गए हैं। वहां से पैदल चलना मुश्किल हो गया है, वहीं वाहन धंस रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी विभागीय अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। कस्बे में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से वहां जमा पानी ने कीचड़ का रूप ले लिया है। गड्ढों में भी पानी भर गया है। आधे अधूरे गड्ढों को वाहन चालक देख नहीं पा रहे, इस कारण वहां से गुजरते ही वाहन धंस जाते हैं। मुख्य सड़क के किनारे शुक्रवार रात एक ट्रेलर धंस गया। शनिवार शाम 6 बजे मुख्य सड़क से उतरकर धर्मशाला की तरफ जा रही एक पिकअप भी धंस गई। गड्ढों में धंसने से वाहन क्षतिग्रस्त हो रहा है। इसके अलावा उसे बाहर निकालने के लिए हाइड्रो या जैसी भी बुलानी पड़ रही है। ऐसे में वाहन चालक को दोहरा आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि विभागीय अधिकारियों ने अब भी इन्हें गंभीरता से नहीं लिया तो बड़ा हादसा भी घट सकता है। ग्रामीणों ने उपखंड प्रशासन से संबंधित विभागीय अधिकारियों गड्ढों को भरने व सड़क दुरुस्त करवाने की मांग की है। बाप कस्बा स्थित राजकीय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में FNL बुनियादी शिक्षा में गुणात्मक सुधार कार्य के लिए चल रहे शिविर का राजस्थान शिक्षक एवं पंचायत राज कर्मचारी संघ बाप के पदाधिकारियों ने अवलोकन कर शिक्षकों के समस्याओं को सुना। इस दौरान संघ के वरिष्ठ नेता तोलाराम पालीवाल ने सदस्य अभियान में सदस्य जोड़ने, पुरानी पेंशन बहाल होने में संघ के महामंत्री शंभू सिंह मेड़तिया, संतोष सिंह, मालाराम, सुखराम विश्नोई, भंवराराम जाखड़, मोतीलाल सुथार, बेबी नंदा सहित सभी के योगदान पर विस्तृत जानकारी दी तथा उनका आभार प्रकट करते हुए कहा कि ऐसे शिक्षक नेता भाग्यशाली लोगों को ही मिलते हैं। वे जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अधिक से अधिक सदस्य जोड़कर संघ को मजबूत करें। शिविर में उपस्थित 184 शिक्षकों ने संघ के जिला और प्रदेश कार्यकारिणी का आभार जताया। पालीवाल ने शिक्षकों के सकारात्मक सोच पर संतोष व्यक्त किया। अवलोकन के दौरान शिविर की व्यवस्था अच्छी पाई गई। ब्लॉक अध्यक्ष शिवनाथ, विष्णुई, रामचंद्र सुथार आदि भी साथ थे।